हैं आपको दिल्ली, जहां पर राहुल कस्वा कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तो वेलकम किया ना। थैंक यू सर। चलिए शुरू करें। मेरी लोकसभा चूरू की जन भावनाओं को के अनुरूप आज मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, और साथ ही साथ में हमारे राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासा साहब का, जूली साहब का, रंधावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कांग्रेस के अंदर शामिल किया है, इस परिवार का मुझे हिस्सा बनाया है। मैं इस उपलक्ष्य पर देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। 10 साल उनके नेतृत्व में मुझे मेरी लोकसभा क्षेत्र की लोगों की, जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोकसभा के अंदर जन भावनाएं जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से परेशान थी, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा था, सामंतवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज़ को अनसुना किया जा रहा था। ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों के ऊपर मैंने आज कांग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की, मेरी लोकसभा की, मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे लोगों की आवाज़ को सुनते हुए आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़गे साहब आपका देना चाहता हूँ। और कांग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोकसभा के क्षेत्र की लोगों की आवाज़ को और मजबूती से और क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों को कराने में आगे काम करता रहूँगा। राहुल कस्वा जी का आज कांग्रेस पार्टी में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने शामिल कराया है, और हम लोग राजस्थान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं, काफ़ी समय से जो जिस प्रकार से केंद्र की सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही थी, जो 3 काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझौता करके फिर समझौते से मुकर गए, और जो हमारी बहनों के साथ, रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बर्ताव किया गया, तो पूरा राजस्थान का, हिंदुस्तान का पूरा किसान वर्ग भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से त्रस्त था, परेशान था। और हद हो गई जब राहुल कस्वा जी को जिस प्रकार से टॉर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में, और जब इन्होंने समय समय के ऊपर केंद्र के, भाजपा के नेतृत्व को